रिटायरमेंट के सातवें सॉल्यूशन लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग 27 से क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे। आइए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन में एक्स वाई जेड पार्टनर है जो 5-3-2 में अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करते हैं। कैपिटल दिया हुआ है, जनरल रिजर्व, क्रेडिटर, पेबल्स, बिल्स पेबल है। इधर असेट साइड में एक यूनिक आइटम दिया है, ज्वाइंट ले पॉलिसी, इसको देखना होगा। एडजस्टमेंट में कह रहा है कि वाई सेल हिज शेयर ऑफ गुडविल टू एक्स फॉर 8000 एंड टू जेड फॉर 4000। स्टॉक अप्रिसिएट हो रहा है और बिल्डिंग जो है 5000 से अप्रिसिएट हो रहा है। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी वाज सरेंडर्ड टू द इंश्योरेंस कंपनी फॉर 7000। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को 7000 में बेचा गया है। इन्वेस्टमेंट को 22000 में सेल किया गया है। वाई को पे कर दिया गया है। तो सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और साथ में न्यू फॉर्म का बैलेंस शीट भी बनाना है। तो आइए हम रिवैल्यूएशन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसमें हम क्वेश्चन बनाएंगे। तो एडजस्टमेंट में जो कह रहा है उसको देखिए, और जो लॉस है डेबिट में, जो प्रॉफिटेबल आइटम है उसको क्रेडिट में मेंटेन करेंगे। तो स्टॉक इंक्रीज कर रहा है और बिल्डिंग, तो स्टॉक और बिल्डिंग लिखेंगे। इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि इन्वेस्टमेंट को सोल्ड किया गया है 22000 में और इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में दिया है 10000। तो यहाँ पे स्टॉक, बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट तीन में प्रॉफिट हुआ है, लिखेंगे बाई स्टॉक बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हो गया। स्टॉक में आप देखेंगे तो कह रहा है कि स्टॉक 20%, तो स्टॉक 5000 का 20% 1000, बिल्डिंग 5000 तो 1000, बिल्डिंग 5000 और इन्वेस्टमेंट कह रहा है 22000 में सेल हुआ, जबकि 10000 का ही इन्वेस्टमेंट है, तो 12000 यहाँ बेनिफिट हुआ। अब हम देख रहे हैं लॉस में, तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी है 2, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी आपका टोटल 15000 है, लेकिन उसको सरेंडर कर दिया गया है 7000 में, तो लॉस हो गया आपको 8000। उसके बाद कोई आइटम नहीं दिया है तो टोटल ऐड कर लीजिए, तो 18000 हुआ, और 18000 में से 8000 को माइनस करेंगे तो 10000 का प्रॉफिट हो गया। तो लिखेंगे 2 प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन 10000, और इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे आप एक्स वाई जेड, और 10000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 5-3-2 दिया हुआ है, 5000, 3000 और 2000 हो जाएगा। अब आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना लीजिए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जब पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो ए बी सी बाई बैलेंस बी डी हो गया। बाई बैलेंस बी डी कितना दिया हुआ है, 30-20-20 हो जाएगा। एक्स वाई जेड है ना भाई, ए बी सी कैसे हो गया, एक्स वाई जेड। तो कैपिटल बाई बैलेंस बी डी हो जाएगा 30000 20000 20000 30 20 और 20000। आगे बढ़ेंगे, जनरल रिजर्व दिया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, तो जनरल रिजर्व कितना दिया हुआ है, वही 10000,
तो 5000, 3000 और 2000। उसके बाद देखेंगे तो रिवैल्यूएशन है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में आप देखेंगे कि 532 फिर वही बात, तो 5000, 3000 और 2000 हो गया। अब इसमें गुडविल को देखेंगे तो गुडविल बेच दिया है 8000 और 4000 में, तो एक्स कैपिटल लिखेंगे और फिर लिखेंगे जेड कैपिटल। तो यहाँ हो गया 8000 और यहाँ हो गया 4000। आप बैलेंस कर लीजिए, 20 और 4 24000। यहाँ देखेंगे 20 6 26 4 30 8 38000। यहाँ देखेंगे 30 10 40000। ओके, बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे वाई कैपिटल, तो एक्स ने दिया है 8000 और जेड ने दिया है 4000। अब यहाँ पर आप बैलेंस सीधी कर दिए, तो वाई का पेमेंट करने की बात हो रही है तो लिखेंगे टू कैश अकाउंट हो गया 38000। अब आप बैलेंस करेंगे तो टू बैलेंस सीडी, आप बैलेंस सीडी कर लीजिए तो यहाँ हो गया 40000, यहाँ हो गया 38000 और यहाँ हो गया 24000। 24000 बैलेंस सीडी करेंगे तो यहाँ 20000, यहाँ पर आपका 40000 में सेट हो गया तो 32000। तो इसके बैलेंस शीट को हम लोग देख लेते हैं। बैलेंस शीट हम यहाँ बना लेते हैं, बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में आपका इधर लायबिलिटी साइड हो गया, इधर एसेट साइड हो गया। लायबिलिटी साइड में सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर दिया है 7000, बिल्स पेबल दिया है 3000 और पार्टनर कैपिटल अकाउंट को लिखेंगे एक्स और जेड। कैपिटल अकाउंट एक्स का हो गया 32000 और जेड का हो गया 20000। 32000 और ये हो गया 52000। जब ऐड करेंगे तो हमारा 62000 बैलेंस शीट दिया हुआ है। असेट साइड में जब आएंगे तो बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी है, तो बिल्डिंग 30000, प्लांट एंड मशीनरी हम ऐसे लिख देते हैं, दिया हुआ है 15000। उसके बाद से आपको डेब्टर स्टॉक, तो डेब्टर दिया हुआ है आपका 10000, स्टॉक दिया हुआ है 6000। कैश में थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा, तो कैश में पहले से कैश है 10000, इंश्योरेंस सेल किया है 7000 में और इन्वेस्टमेंट सेल किया है 22000 में और वाई को पेमेंट किया है 38000। जब दो सबको एडजस्ट करेंगे तो 22 10 32 7 39 में से 38 जाएगा 1000। अब जब जोड़ेंगे तो 30 15 45 10 55 55 6 61 61 1 62 यानी 62000। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम 28 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन में भी लगभग यही है, आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है।
और कैपिटल अकाउंट बनाना है। 28 नंबर में भी सन, मून और स्टार हैं। 532 में अपने प्रॉफिट को शेयर करते हैं। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट फॉर्मेट हम रहने देते हैं, क्योंकि इसी फॉर्मेट में फिर हम बना लेंगे। स्टार, मून, मून, सन, मून और स्टार, इसे हम हटा देते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि स्टॉक वाज इंक्रीज बाय 10%, मेक प्रोविजन दिया है 5%, आउटस्टैंडिंग वेजेज है, इन्वेस्टमेंट वाज ओवर वैल्यूड। तो ये तीन तो ऐसे ही लॉस दिख रहा है। पहले प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट दिया है आपका 1000, आउटस्टैंडिंग वेजेज भी 1000, 1000 आउटस्टैंडिंग वेजेज है 1000, और उसके बाद आपको दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 3000। ओवर वैल्यूएशन का अर्थ ही हुआ कि लॉस हुआ, यानी एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू हो गया तो लॉस में जाएगा 3000। अब आएंगे क्रेडिट साइड में, तो देख रहे हैं कि एक स्टॉक दिया हुआ है, स्टॉक 1000, इधर हो गया 5000, इधर 1000, तो लॉस हुआ, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन 4000। अब इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 532 में, तो सन, मून, स्टार, सन, मून और स्टार, तो 321 532, तो 5 3 8 2 10, 10 से डिवाइड करेंगे तो 400, तो 400 तो 8 12 और 2000 1200 800। अब पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना लीजिए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनाएंगे, वही मैटर है, स्टार, सन, मून, स्टार, सन, मून, स्टार, सन, मून, स्टार, सन, मून, स्टार, ओके। तो पहले पार्टनर्स कैपिटल लिख दीजिए, 25 15 10, तो बाई बैलेंस बीडी 25000, 15000 और 10000। उसके बाद आप जनरल रिजर्व करेंगे, जनरल रिजर्व में 2500 1500 1000 होगा, 2500 1500 और 1000। यह क्यों होगा? क्योंकि 5 3 2 में हम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। उसके बाद से हम देखेंगे कि गुडविल के बारे में कुछ कहा है कि नहीं। तो गुडविल के बारे में कुछ नहीं कहा गया है कि गुडविल का एडजस्टमेंट कैसे होगा, ठीक है, ओके। अब हम आ जाएंगे रीवैल्यूएशन में, तो रीवैल्यूएशन लिखेंगे 2 रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन में अमाउंट हो जाएगा 2000, 1200 और 800। अब तो कुछ नहीं कह रहा है, कह रहा है कि ऑन द अबव डेट मून वाज रिटायर्ड एंड गुडविल वाज वैल्यूड 30000, फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर मेड इन द अबव बैलेंस शीट। तो टोटल गुडविल 30000 है और रिटायर हो रहा है मून, तो मून शेयर ऑफ गुडविल
30,000 स्टार मून, सन मून स्टार है तो 3/10 इंटू 3/10 यानी 9,000। अब इस 9,000 को हम सन में और स्टार में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपका हो जाएगा सन कंट्रीब्यूशन। नाइन थाउजेंड कोई न्यू रेशियो तो दिया नहीं है, एज फॉलोइंग न्यू रेशियो नहीं दिया है तो 5/2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 9,000 इंटू 5/7 तो 7 × 7 = 20 तो 7 × 2 = 14 = 60 7 × 8 = 56 और उसके बाद 40 तो 7 × 5 = 35 फिर 50 हो जाएगा तो 7 × 7 = 49। अब इस तरीके से जब आप इंटू करेंगे तो 6,429 आएगा, 6,429। उसी तरह से हम स्टार का कंट्रीब्यूशन जब कैलकुलेट करेंगे कुछ नहीं करना है, 9,000 से इसको माइनस कर लीजिए, 6,429 आपको बैलेंस मिल जाएगा, 2,571 आप लिखेंगे बाय सन कैपिटल और स्टार कैपिटल। तो सन कैपिटल हमारा हो जाएगा 6,429 6,429 और स्टार हो जाएगा 2,571 यहाँ। अब यहाँ हो जाएगा 2 मून कैपिटल, स्टार में हो जाएगा 6,429 और इसमें हो जाएगा 2,571 2,571 बैलेंस निकाल दीजिए आप ऐड करेंगे तो 11,000 इसको ऐड करेंगे तो 9, 9, 1, 10 ये तो हो ही जाएगा 9,000 9, 15, 16, 16, 4, 20, 5, 25,500 ये हो गया 25,500 और ये हो जाएगा 27,500 इधर आ जाइए बैलेंस निकाल लीजिए तो 27,500 ये हो गया 25,500 11,000 मून रिटायर हो रहा है। पहले मून का हम लोग कैलकुलेशन कर लीजिए तो मून को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो मून के लोन में ट्रांसफ़र करेंगे क्योंकि मून के पेमेंट की बात नहीं है तो मून लोन अकाउंट जो बैलेंस आया मून लोन अकाउंट में जाएगा और आपका हो जाएगा 24,300 25,500 × 3 = 25 = 24। अब बैलेंस शीट निकाल लीजिए, बैलेंस शीट जब बैलेंस शीट निकालेंगे तो देखेंगे कि आपका सन में हो गया 19,071 और स्टार में हो जाएगा आपका 7,629 7,629 ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट बन गया। अब आपको इसमें भी बनाना है बैलेंस शीट, बैलेंस शीट कह रहा है तो बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट के लिए थोड़ी सी जगह ज़्यादा चाहिए क्योंकि इसमें ज़्यादा आइटम दिया हुआ है तो इसे हम मिटा देते हैं या फिर इधर बन जाएगा, इधर बना लेते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट देख लीजिए आप, लायबिलिटी और एसेट्स लिख लेंगे, सबसे पहले कैपिटल लिख लिया जाए। कैपिटल में स्टार सन 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 और स्टार तो सन का 19,071 6,7 7,629
7629 ऐड कर लीजिए। 9 10 के 0, 7 2 9 1 10 के 0 में 1 6 1 7, 9 7 16 के 6 में 1 1 2। अब उसके बाद मून का लोन लिख लीजिए, मून लोन 24,300। उसके बाद जो आपका क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, तो क्रेडिटर बिल्स पेबल और आउटस्टैंडिंग वेजेज। आउटस्टैंडिंग वेजेज कहाँ से आया, ये ठीक है। तो क्रेडिटर हो गया, दिया हुआ है 8,000, बिल्स पेबल 7,000, तो 8,000 7,000 और यहाँ पर 1,000 आप जोड़ लीजिए। जोड़ेंगे तो 25 25 50 51 51 9 60 7 67 67,000 दिया हुआ है। असेट साइड में आइए तो बैंक दिया हुआ है 6,000, डेबिटर्स दिया हुआ है 20,000। हाँ, माइनस प्रोविजन, जो प्रोविजन आप किए हैं, प्रोविजन यहाँ पर किए हैं 1,000 माइनस कर दीजिए तो 19,000। फिर आएगा स्टॉक, तो स्टॉक में 1,000 बढ़ा हुआ है, पहले से स्टॉक था 10,000, 1,000 जोड़ देंगे 11,000 हो जाएगा। उसके बाद से बिल्स रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट और लास्ट दिया है मशीनरी, ऐड कर लीजिए। तो बिल रिसीवेबल 4 है, 9 है, 18 है, तो 4,000 9,000 और 18,000 बैलेंस कर लीजिए, जोड़ लीजिए तो 19 11 30 30 10 40 40 10 50 50 60 67,000। तो इस तरीके से हम लोगों का ये दोनों क्वेश्चन बन गया, दोनों लॉन्ग क्वेश्चन था। तो आज इस वीडियो में दो ही क्वेश्चन रहने देते हैं और फिर हम लोग न्यू वीडियो में आगे के क्वेश्चन देखेंगे। तब तक ले थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।